पोस्ट में मैं हूं अनामिका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां एवं मानसून सत्र के बीच बुधवार को यानी कि कल राजद प्रमुख लालू प्रसाद से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। मीसा भारती के सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात में समाजवादी नेता रामगोपाल यादव एवं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। चारों वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकात का मजमून तो बाहर नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि एक दिन पहले राकंपा की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई थी, तो इस मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए, जब भी चुनाव आते हैं तो जब भी कोई हलचल होती है सबको चुनाव से जोड़कर देखा जाता है। जमानत पर जेल से निकलने के बाद लालू प्रसाद ने राजनीतिक गतिविधियां जो है वो तेज कर दी है। चारों नेताओं के बीच काफी देर तक राजनीतिक हालात पर चर्चा होती रही। मुलाकात की जो तस्वीर है वो मीसा भारती ने खुद ट्वीट की है। इस तस्वीर में मीसा भी दिख रही हैं। मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया कि शरद पवार राजू प्रमुख के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में अगले साल 2022 को विधानसभा चुनाव होना है। अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकंपा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला ली है। राकंपा का कहना है कि यूपी का हाल काफी बुरा है, योगी सरकार राज्य की बेहतरी के लिए काम नहीं कर रही है, जनता सरकार से परेशान है। पार्टी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में एनसीपी को युवाओं, किसानों और महिलाओं की आवाज उठानी होगी। राकंपा का कहना है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी सरकार लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रही है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद काफी एक्टिव सक्रिय हो गए हैं। अभी राजद सुप्रीमो अपनी बेटी और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के दिल्ली स्थित सरकारी आवास में रह रहे हैं। अब इस मुलाकात के कई मायने लग रहे हैं, देखिए इस मुलाकात से आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल को मैं तहे नामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।